आगे की अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे चलाया जाए, क्योंकि थिएटर में ऐसा कुछ नहीं है जो ना सीखा, सीखने के लिए सब कुछ सीखना बड़ा लाजमी है, थिएटर ही सिखाता है। बस इसी है कि कोई इसी वजह से मैं थिएटर में आदमी होता रहते हैं रहता हूँ। जहाँ पूरी दुनिया लड़ाई में धीरे धीरे डूबती जा रही है, वहाँ पर हम लोग नाटक के माध्यम से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। जो हमारे उपनिषद में हज़ारों साल पहले कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, उसके तहत हम वन अर्थ वन फैमिली का जो एक संदेश है उसको हम प्रतिपालित कर रहे हैं इस फेस्टिवल के थ्रू। और इसके साथ साथ देश भर से जिस तरह से नाटक आता है उसमें हमें सीखने को भी मिलता है, जानने को भी मिलता है किस प्रांत में किस तरह का नाटक, किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किस तरह के टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, क्या नया क्या लोग सोच रहे हैं, क्या नई विचार लेके आ रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ों को हम इस प्लेटफॉर्म में देखने के लिए तरसते हैं और लोगों को दिखाने के लिए भी तरसते हैं। सर, तो इस बार जो आपने शुरुआत की है, हम एम्बेसडर के तौर पर आपने पंकज त्रिपाठी जी को बुलाया है, क्या अलग चेंज लाएगा उनका एक आइकॉनिक चेहरा यहाँ सामने? बेसिकली पॉपुलराइज़ करने के लिए काफ़ी उनका जो चेहरा है, क्योंकि वो खुद ही एक इतने मंझे हुए कलाकार और इतने बड़े कलाकार हैं, आज पूरी दुनिया मानती है कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने उनको रंगदूत के रूप में रिक्वेस्ट किया। और ये उनका बड़ापन है क्योंकि उन्हीं का ही स्कूल है, यहीं से वो एलुमनस हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने फिर अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से समय भी दिया। तो पहली बात तो ये है कि पॉपुलराइज़ करने में वो कारगर साबित होंगे, हो रहे हैं, और साथ में ये है कि क्योंकि रंगकर्म करके ही निकले हैं और अभी भी रंगकर्म करने के लिए तरस रहे हैं, जैसे कि अभी स्टेज में उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी वो एक नाटक लेकर लोगों के सामने आएंगे, तो उनसे बेहतर और कोई चॉइस मेरे सामने नहीं था, तो मुझे लगा कि उनको इसमें शामिल किया जाए। और ये पहली बार हम ऐसे कोई रंगदूत के जो एक कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। सर, रंग महोत्सव और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहा है, आपने कहा था कि ट्राइबल जो रीजन है उसको भी आपने साथ लिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ट्राइबल रीजन नहीं, मैंने कहा कि कोई भी जॉनर को हम अछूता नहीं रख रहे हैं, ट्राइबल थिएटर हो, फोक थिएटर हो, म्यूजिकल थिएटर हो, कंटेम्प्रेरी थिएटर के जितने एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स होते हैं, रियलिस्टिक प्लेस होते हैं, वो सब हर तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। उस तरह से हमने ट्राइबल थिएटर को भी इसमें रखा है। सर, इस प्रोग्राम को आपने एक स्ट्रेस और एंजाइटी जो लोगों को होता है इस चीज़ में भी एड्रेस किया गया है, तो इस चीज़ को
किस तरीके से आप देखते हैं जो प्रोग्राम में आपने कहा था जब हमने अटेंड किया था कि लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन, तो ये प्रोग्राम किस तरीके से लोगों के जीवन में प्रभावित डालते हैं? देखिए, अगर हम एकेडमिकली बात करें तो भरत मुनि के नाटशास्त्र में ये सब है, और बाद में पोएटिक्स में भी है कि कैथर्सिस होता है, प्ले जब आप देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब तमाम जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली नाटक जो है, आपको थिएटर थेरेपी नाम की चीज़ भी आ गया है। सो बेसिकली नाटक का इतना एक बल है, इतनी ताकत है कि वो लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर साबित होता है और एक नॉलेज का पीठ साबित होता है, बहुत कुछ है। तो उस तरह से हमने कहा कि जब कलाकार आपके सामने काम करते हैं तो वो बेसिकली जब आपको एंटरटेन करते हैं, खुशी देते हैं, तो उसमें आपका स्ट्रेस बस्टिंग होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं आप सब मिलके, जो प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, आप जो इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा कि ये दिल्ली में आयोजन होता था, दिल्ली में ही कंक्लूजन होता था, तो इस पर क्या एक आइडियाज है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए? एक्चुअली सीधी सी बात ये कि थिएटर की अहमियत क्या है, थिएटर क्यों, क्या मानी है? थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, सिर्फ अभिनय नहीं होता, थिएटर बहुत सारी चीज़ें हैं। थिएटर हमें सलीका सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है, ज़िंदगी कैसे जी जाए, और थिएटर बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जो और किसी विधाओं में शायद वो एक जैसी रह जाती हैं। तो इस वजह से बड़ा लाजमी, बड़ा ज़रूरी हो गया है थिएटर स्कूल कॉलेज सब में, इसलिए होना चाहिए कि बच्चों को अगर थिएटर सिखाया जाए, स्टेज पर उतरना सिखा दिया जाए, तो ज़िंदगी में फिर उसको एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीने के लिए जो आड़े आती हैं आपको, रुकावटें पैदा करती हैं, उन सब से आप निकल जाते हैं। फिर आपको लड़ने का एक सलीका भी मिल जाता है कि आप ज़िंदगी से कैसे लड़ा जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए। और दूसरी बात ये है कि हर शख्स के अंदर खूबी है, हर शख्स के अंदर, वो थिएटर ही सिखाता है कि उन खूबियों को निकालिए, वो दबा के मत रखिए। हम लोग करते क्या हैं और कि बस बच्चों को बता दिया कि वो पड़ोस का बच्चा ये है, उसको तुम भी वही बन जाओ क्योंकि वो उसने उसमें नाम कर लिया, तुम भी। थिएटर ये नहीं करता है, थिएटर में डालिए थिएटर, वो अपने बच्चे के अंदर जो होगा वो अपने आप को निकाल के लाएगा। तो ये हमें तो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के वो सब होते रहने चाहिए, और होने से जिनको थिएटर देखने की आदत नहीं है, थिएटर करने की आदत नहीं है, तो आएँ देखें और समझें थिएटर होता क्या है, क्यों ज़रूरी है आज इस ज़माने में थिएटर का। क्योंकि मैं तो उस ज़माने से थिएटर को समझ गया था कि थिएटर होना क्या चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों किया जाए थिएटर। तो बस यही है कि इस तरह के जो रंग उत्सव, जो महोत्सव जो होते हैं, अगर होते रहें तो मेरे ख्याल से इस तरह का माहौल बनेगा, और लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ज़िंदगी जीने का सलीका सीखेंगे, और ज़िंदगी कैसे आसान हो, कैसे ज़िंदगी के मज़े लें, वो थिएटर ही सिखाता है। तो वो सब है, बस यही सर। जी सर, जैसे आपके दौर में इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था, अपना जो टैलेंट है दिखाने का, इस बार गवर्नमेंट भी अब इनिशिएटिव लेती है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्टिंग की पढ़ाई करती है 3 साल 4 साल, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर काम मिलना नहीं मिलना, काफ़ी डिप्रेशन की। देखिए, अगर आपने सही मायने में ईमानदारी से पढ़ाई की तो फिर आपको रोक नहीं सकता कोई। आपकी पढ़ाई में नियत देखी जाती है, आप किस नियत से पढ़ रहे हैं, क्या आप फिल्म में हीरो बनने के लिए पढ़ रहे हैं? अगर वो इस नियत से अगर पढ़ रहे हैं तो वो तो वहीं रह जाएगा, वो तो बढ़ेगा नहीं आगे, उसके जहन में तो वही रहेगा। ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी आपको, सबसे पहले तय करने पड़ेगा। और ये बिल्कुल कभी नहीं सोच दीजिए कि भैया मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है ना, आप चलना शुरू करिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तहे दिल से, आपके अंदर वो जुनून है, वो मेहनत करने का वो जज्बा है आपके अंदर, ईमान है आपके अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं, आपको ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं। आपसे परेश सर ने, पंकज त्रिपाठी सर ने और आपने गवर्नमेंट से भी एक अपील की है कि जो बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, OTT प्लेटफॉर्म्स जो आज का दौर है उस चीज़ पे कोलैब कीजिए उनके साथ, जिन्हें सबके साथ, जिनको सबके साथ मौका मिले काम करने का, अपना जो भी व्यक्तित्व बताने का, जैसे ये रंग दिखाता है हमारे जीवन का, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और ये जो ज़माना है, जिस तरह नेगेटिविटी बहुत सारी चल रही है, और उसकी वजह यही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा वो ज़िंदगी को चलाएं कैसे अपने। तो
अगर अपनी ज़िंदगी को चलाना आ जाए तो फिर बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। सबको परेशानी, आप अगर देख लें तो बहुत बेहतर लोग कहीं दबे हुए थे, तो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो लिखा गया वो सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो ना करें तो ये नहीं कि हम उनके भरोसे बैठ जाएं, खुद भी करके देखें। थोड़ी क्या है, जब भी कोई काम शुरू किया जाए थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, तो अगर उससे आप ना डरें तो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं रोक सकता, रास्ते आपके खुले हुए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे, भारत रंग महोत्सव एक एक्टर की शुरुआत हमेशा थिएटर से होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, हाउ यू थॉट अबाउट दिस फेस्टिवल? सो आई वुड से इट्स अ ऑनर टू बी इन दिस बिगेस्ट शो विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द परेश सर। सो आई फील सो ब्लेस्ड एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लेस, इट्स अ ब्लेसिंग आई वुड से। एज एन एक्टर ये रूट है, अगर यहाँ नहीं आए तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे। आपके एक्टिंग की शुरुआत भी थिएटर से हुई थी? नहीं। तो कैसे, थोड़ा कुछ प्रोसेस बताइए कि आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, एक्टिंग की है? सो आई हैव डन अ कोर्स इन US, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, एंड हियर इन बॉम्बे लाइक बैरी जॉन्स। सो माई फर्स्ट फिल्म लाइक आई वॉज लॉन्च बाय पहलाज महलानी, सो आई डिड हिज फिल्म फर्स्ट, देन अनदर फिल्म आई डिड अनारीज बैक विच वॉज रिलीज लास्ट ईयर in the month of November, and my another film is coming up, that's called Mafia Queen. इस मूवी में क्या होने वाला है, किसके साथ आप काम करते हुए हमें नज़र आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल्स हमने देखे थे? सो इट्स अ मल्टी लिंगुअल फिल्म, इट्स अ पैन इंडिया, सो मल्टीपल स्टारकास्ट होंगे, बट आई एम द माफिया, आई एम द क्वीन। सो इट्स अ एक्शन पैक जैम पैक फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, ma'am.